आज मैं आपको सिखाऊंगी एक बहुत ही ज्यादा फेमस राइस की वैरायटी, जिसका नाम है चिकन फ्राइड राइस। वैसे तो ये चाइनीज डिश है, लेकिन मैं इसे इंडियन स्ट्रीट स्टाइल में बनाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाइसेस एंड चीज विद समरीन ताहा। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर डिलीशियस रेसिपीज। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन। थैंक यू। चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो कुक्ड राइस। ये बॉइल्ड राइस है, बासमती राइस, और इसमें मैंने सिर्फ नमक और ऑयल डाल के उबाल लिया है। ये मैंने 5 अंडों का स्क्रैम्बल्ड एग बना लिया है। तो 5 अंडों में मैंने सॉल्ट और पेपर डालकर उसे फेंट कर अच्छे से और उसे फ्राई कर लिया है। आप ऑमलेट बनाकर भी उसकी कटिंग करके डाल सकते हैं। ये 2 ब्रेस्ट पीस चिकन, ग्रिल चिकन है, जिन्हें मैंने श्रेड कर लिया है। इस तरह से मैंने बड़ा बड़ा श्रेड किया है ताकि जब लोग फ्राइड राइस खाएं तो इस तरह का बड़ा बड़ा चंक आए। आप बॉइल्ड चिकन भी ले सकते हैं श्रेड करके, लेकिन मैंने ग्रिल चिकन लिया है। 8 टेबल स्पून डार्क सोय सॉस, 8 टेबल स्पून से, और उसका इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, पानी भी मैंने उतना ही ले लिया है। ऑयल लगेगा फ्राई करने के लिए राइस को। और ये मैंने 2 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड फ्रेश गार्लिक ले लिया है, 1 टीस्पून ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड ली है, ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। 1/4 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक इसके लिए कम लिया है बिकॉज सारी चीज़ों में नमक है, ग्रिल चिकन में भी नमक है, अंडे में भी नमक है, सॉस में भी नमक है, राइस में भी नमक है, और ये सब्जियों में भी नमक है। 2 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून वाइट पेपर पाउडर, ये बहुत कंपलसरी है। वाइट पेपर पाउडर के बिना फ्राइड राइस में अच्छा टेस्ट नहीं आता है, सो ये आपको लेना ही है, इसे आप अवॉइड नहीं करना प्लीज़। ये मैंने 1/2 किलो मिक्स्ड वेजिटेबल्स लिए हैं, मैंने इसे जूलियंस में काट लिया था। ये रेड बेल पेपर, कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट और थोड़ी सी प्याज भी मैंने ली थी, ठीक है। और स्प्रिंग अनियन भी लिया था, 4 स्प्रिंग अनियन लिया था, जिसका वाइट पार्ट मैंने काट कर मिला लिया है इसमें और पका लिया है। और ग्रीन पार्ट मैंने, जो स्प्रिंग अनियन की जो भाजी होती है, उसे मैंने पकाया नहीं है, वो कच्चा ही रखेंगे। तो इसे मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल में बहुत ही हाई फ्लेम पर नॉनस्टिक पैन में फ्राई कर लिया है 2 मिनट के लिए, स्टर फ्राई। तो मैंने किस तरह से किया आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो इसे मैंने इस तरह से फ्राई किया है। तो अभी ये सारा प्रिपरेशन हमने कर लिया है, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। सबसे पहले मैं एक मिक्सिंग बाउल में ये सारे मसाले डालूंगी, वाइट पेपर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, इसमें सोया सॉस मिक्स कर दूंगी और ये सारा पानी भी इसी में डालूंगी। सबसे पहले हम ये राइस लेंगे और एक मिक्सिंग बाउल में राइस को शिफ्ट कर लेंगे। मैंने हाफ ही डाला है, आधा मैं बाद में डालती हूँ मिक्स करने के लिए। अब हम इसमें चिकन एंड एग्स डाल देंगे। ये स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स, मिक्स्ड वेजिटेबल्स और स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, ये भाजी है प्याज की, ये सारे डाल देंगे। ये सब कुछ हम मिक्स कर लेंगे आपस में अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं कितना कलरफुल बना है ये मिक्सचर, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट, लुक्स सो ब्यूटीफुल, सो कलरफुल। अब मैं आपको एक टिप दूंगी कि इस स्टेज पर आप एक इसे एयर टाइट कंटेनर में, फ्रिज सेफ बॉक्स में इसे पैक करके फ्रिज में रख दें। ये 1 हफ्ते तक खराब नहीं होता है। फिर आप क्या करेंगे, जब भी खाने का मन है, जब भी कोई डाइनिंग टेबल पर बैठा है और आपको फ्रेश सर्व करना है, तो बस इसे फ्राई कर करके देते जाइए और सर्व करते जाइए। तो मैंने एक नॉनस्टिक वॉक में 6 टेबल स्पून ऑयल लिया है और फ्लेम हाई पर है और तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ये लहसुन और हरी मिर्ची डाल दूंगी। बस थोड़ा सा मैंने इसे स्टर करके इसमें ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है मसाले का और सॉस का, ये डाल देंगे। ये जस्ट हाफ ही डालेंगे, पूरा नहीं। अब इसमें हम जल्दी जल्दी से सारा राइस डाल देंगे। तो मैंने सारा ही मिक्सचर डाल दिया राइस का। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ये ड्रिजल करूंगी जो हमने सॉस का मिक्सचर तैयार किया है।
आप थोड़ा थोड़ा भी बना सकते हो, बट मैं यहाँ 6 से 8 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने एक ही बड़े से वॉक में बना लिया है ये ज्यादा। ये अराउंड 5 मिनट्स हो गए हैं इस पे हाई फ्लेम पर ये फ्राई हो रहा है, और मैं ये सारा ही सॉस डाल दूंगी। आप देख सकते हैं ये कितना जबरदस्त इसका लुक आया है, एक एक राइस अलग होता है। तो 10 मिनट्स तक हाई फ्लेम पर मैंने इसे फ्राई किया है राइस को, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। चिकन फ्राइड राइस इज रेडी टू सर्व। इसे किसी भी एक्कम्पनीमेंट की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत यमी लगता है और सभी को बहुत पसंद आता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू।